जो बाहरी दुनिया है उस बाहरी दुनिया से निकालने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और एक और गुजारिश है कि जो लोग भी मोबाइल जिनके पास भी है वो साइलेंस मोड पे प्लीज डाल दें, क्योंकि बीच में उससे खलल पैदा होती है। साइलेंस पे रख लें। मेरे लिए बहुत ही आज यादगार दिन है, हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती का दिन है कि हमारे बीच में परम आदरणीय पद्मश्री आदरणीय पूरन चंद सिंह वड़ाली जी हाजिर हैं। हम करीब 20 से 22 बरस पहले पटना में मिले थे आकाशवाणी कॉन्सर्ट में, और वहां पे मुझे इनके साथ संगत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और उसके बाद इनका प्रोग्राम तो खत्म होने के बाद इनके टिकट बने हुए थे, वापस जाना था। मैंने इनके पांव पकड़ लिए कि पापा जी आपको जाने नहीं देंगे हम, आप एक दिन और रुको और हम अलग से महफिल करेंगे। इनके टिकट कैंसिल करा के, इनका गेस्ट हाउस दूसरा बुक करा के हम लोग एक जगह सुबह से लेके 10 बजे से रात के 8 बजे तक कंटिन्यू ये गाते रहे और खाते पीते रहे। वो एक हिस्टोरिकल मतलब वो इवेंट था। तो मैं आपके चरणों में सादर नमस्कार करते हुए आपसे आशीर्वाद चाहता हूं। भूल चूक होगी, आशीर्वाद दीजिए कि बस सुरों में और लय में कायम रहूं, बस और कुछ नहीं। मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूं, मैडम गुरप्रीत जी से भी इजाजत चाहता हूं। थोड़ा सा शांति का माहौल रखेंगे बच्चे, और हमें सपोर्ट करेंगे। आप लोगों से भी दुआएं कीजिए कि हम आपको अच्छे स्वर और लय में कुछ सुना सकें। सबसे पहले मैं राग पूरिया कल्याण सुना रहा हूं। क्या बात है, रूपक में बंदिश है, फिर बाद में जैसा जैसा होता चला जाएगा। साथ में बड़े मेरे होनहार एक शागिर्द हैं, विक्की वर्मा जी जो पठानकोट से हैं, बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहे हैं। ये राजेंद्र सिंह मनी जी हैं, ये बांसुरी भी बजाते हैं, कीबोर्ड भी गाते भी हैं। और जिनके वजह से ये महफिल में रौनक है, उस महफिल के रौनक और सरताज पंडित सिद्धार्थ चटर्जी बैठे हैं। मैं इनका बड़ा भाई हूं, इसका मुझे गर्व है।
आगे आगे बैठ जाओ यहाँ।
Thank you.